हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इसके न्यूमेरिकल हम यहाँ पे देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला ये टॉपिक। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सबसे पहले हम समझते हैं, जनरल डेफिनेशन आपको पता ही है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन द डिमांड टू चेंज इन द प्राइस लेवल। और इन सिंपल वर्ड बोले तो ये डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस को मेज़र करती है, किसमें जो चेंज इन क्वांटिटी होता है कि फॉलोइंग द चेंज इन द प्राइस लेवल। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये सिंपल मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूला को, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी टाइम पी क्यू, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर अनदर मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। तो इसमें क्या है कि चेंज इन क्यू अपॉन, ये मैंने डेरिवेटिव लिया है, और ये पी टाइम पी ओवर क्यू मैंने लिख दिया। ओके, यहाँ पे क्या है, डी क्यू अपॉन डी पी है, ये क्या बताता है, ये डेरिवेटिव बताता है। हमारे पास जो डिमांड फंक्शन दिया गया उसका डेरिवेटिव लेंगे हम, किसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में, देन उसको यहाँ लिखेंगे और पी और की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। बहुत ही सिंपल सा है ये। मैं अब इसको किसके थ्रू बताऊंगा आपको, न्यूमेरिकल करूंगा तो आपको चीज़ें जल्दी समझ आ जाएगी। ओके, तो सबसे पहले पहला न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है। ओके, तो यहाँ से डिमांड फंक्शन इज़ गिवन, अ क्यू इज इक्वल टू 50 - 5 पी, कंप्यूट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस इज 5। तो ओके, जब प्राइस 5 है तो आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर लो, आपको क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। तो Q आपके पास क्या है, यहाँ पे Q इज इक्वल टू, यहाँ पे Q इज इक्वल टू 50 - 5 पी, पी का वैल्यू कितना है, 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इसमें, ये आ जाएगा 50 - 5 टाइम पी, और पी का वैल्यू 5 है। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 - 25, और ये आ गया हमारे पास 25। तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी आ गई, 25 आ गया, हमारे पास क्वांटिटी 25 आ गई, एंड पी हमारे पास कितना आ गया, जो कि ऑलरेडी गिवन है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब इस इन्फॉर्मेशन को आगे करेंगे हम। तो फॉर्मूला मैं आपको सीधा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पहले लिखता हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला ये आ गया, ये आ जाएगा डी क्यू अपॉन डी पी, और ये पी क्यू आ गया, ये इतना यहाँ पर आ गया। अब देखो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि पी और क्यू का वैल्यू हमारे पास आ गया, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है डी क्यू अपॉन डी पी। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें Q का जो वैल्यू है उसको P के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव लेना है। तो इसको ऐसे ले सकते हैं हम, Q का वैल्यू कितना है, ये है 50 - 5 पी, इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू P, तो ये आ जाएगा -5। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको आगे करेंगे, इतना आ गया। अब इसको जो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास आया उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, डी क्यू अपॉन डी पी हमारे पास कितना आया, -5 आया। ओके, और पी का वैल्यू कितना है हमारे पास, ये 5 है, और क्यू का वैल्यू कितना है, 25 है। ठीक है, इसको आप आगे कर दोगे तो आ जाएगा -25 / 25 आ गया। तो ये क्या आ गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू जो होता है वो माइनस में ही होता है, क्योंकि डिमांड कर्व क्या होता है हमारा, ये देखो इस तरह से मैं बताता हूँ। डिमांड कर्व जैसे ये दिया गया हमारे पास, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है। अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारे डिमांड कर्व है तो इलास्टिसिटी जो होगा वो नेगेटिव में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब मैं एक और यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ये मेरे पास एक और एग्जांपल है। देखो ये यहाँ पे क्या दिया गया, Q इज इक्वल टू 100 - 2P - 2P² आ गया, P इज इक्वल टू 10। तो इसमें भी हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें इसमें
पी का वैल्यू दिया गया है और क्यू का हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता है, ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला, डी क्यू अपॉन डी पी टाइम पी क्यू, ये आ गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले हम डी क्यू अपॉन डी पी का कैलकुलेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा माइनस टू माइनस फोर पी आ गया, ये आ गया हमारे पास। पी का वैल्यू आपको पता है यहाँ पे गिवन है कितना है, 10 है, तो इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो माइनस टू माइनस फोर टाइम 10 आ गया, तो ये आ जाएगा माइनस टू और माइनस 40, तो इन दोनों को आप प्लस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 42, ओके। तो ये हमारे पास ये स्लोप आ गया, 42 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें Q का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो Q का आपको पता है ये दिया गया हमारे पास 100 माइनस 2P माइनस 2P स्क्वायर आ गया, P की जगह हम 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके। ये 10 कर दिया माइनस 2 और ये 10 रेज टू पावर 2, ठीक है। ये आ जाएगा 100 माइनस 20 माइनस 200 और ये आ जाएगा 100 माइनस 220, ओके। तो इसको आगे करेंगे हम तो ये आ जाएगा इक्वल टू माइनस 120, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें इसको देखो, अब इन वैल्यू को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला जो मैंने पहले बताया आपको, डी क्यू अपॉन डी पी पी ओवर क्यू, डी क्यू अपॉन डी पी कितना आया हमारे पास, माइनस 42 आया, और पी का वैल्यू कितना है, ऑलरेडी हमारे पास 10 है, और हमारे पास क्यू का वैल्यू कितना है, ये माइनस 120 है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको ये माइनस में होगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इस ये आगे सिंपलीफाई करेंगे तो आ जाएगा 420 माइनस 120, ये आ गया, ओके। तो इसको आगे जीरो से जीरो चला जाएगा तो ये आ जाएगा, इसको और आगे सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 अपॉन 2 आ गया, इसको और आगे करेंगे 6 के करेंगे ना, 6 7 42 और 6 2 12, ओके। तो इसको आगे करेंगे तो आ जाएगा माइनस 3.5। तो ये हमारा इलास्टिसिटी का वैल्यू आ गया, क्या आ गया, 3.5 आ गया, ठीक है। यहाँ तक भी हो गया, अब आगे चलते हैं। आगे मैं एक और, मैं थोड़ा अलग अलग यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। आपको कुछ नहीं करना है, आपने एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो आगे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। तो ये देखो, ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू क्या है। तो इसमें देखो, ये हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, यहाँ पे हमारे पास डिमांड फंक्शन दिया गया है, ये है सॉरी ये हमारे पास डिमांड कर्व दिया गया है, और इसको प्रूव करना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस ए के इक्वल है, ओके। और माइनस ए क्या है हमारे पास, माइनस ए का वैल्यू ये यहाँ पे माइनस ए आएगा, मैंने थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे गड़बड़ी कर दी है, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इस तरह से होगा, ये होगा क्यू पी माइनस ए इज इक्वल टू बी, एक्चुअल में ये है, ये मैंने थोड़ा लिखने में गड़बड़ी कर दिया, ओके। तो अब इसमें हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है जो माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। इस तरह का डिमांड फंक्शन दिया गया हो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है हमारा, ए के इक्वल होता है, माइनस ए के ही इक्वल होगा, ठीक है। तो चलो इनको अलग अलग कर लेते हैं एक बार, क्यू को हम अलग करेंगे और पी को अलग कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं सिंपलीफाई करके लिखूं तो माइनस है तो माइनस का नीचे चल जाता, तो ये आ जाएगा पी ए वैल्यू आ जाएगा, ये बी के इक्वल आ गया, और क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, बी पी ए आ जाएगा, ठीक है।
अब हमें फॉर्मूला आपको पता है कि क्या है, ये डी क्यू अपॉन डी पी टाइम पी क्यू, ये इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड का। ओके, तो इसको हमें डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहले डेरिवेटिव कैसे लेंगे हम, इसलिए इसकी रिस्पेक्ट में लेंगे, तो यह डी क्यू अपॉन डी पी हमारे पास क्या आएगा, ये इसका लेना है हमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ए आ गया, ओके, और ये बी पी ए माइनस वन, कुछ नहीं, सिंपल पावर फार्मूला का मैंने यूज किया है, ये आ गया हमारे पास। तो और आपको पता है कि इलास्टिसिटी और डिमांड हमारे पास फार्मूला आपको पता है, सब्स्टिट्यूट करना है हमें। तो ये देखो हमारे पास ये वैल्यू, हमारे पास डी क्यू अपॉन डी पी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया ए बी पी ए माइनस वन टाइम, हमारे पास पी, तो हमारे पास क्या है पी का वैल्यू हम ऐसे लिख देंगे, और क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू है हमारे पास बी पी ए, ये ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, मैंने यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया क्योंकि मैंने सारे जो भी हमारा ये दिया गया इक्वेशन मैंने इसको पी के रिस्पेक्ट में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ पे पी रेज टू पावर ए माइनस ए है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सिंप्लीफाई करेंगे तो एक पी नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा ए बी पी ए अपॉन पी, वन पावर है तो उसको हम नहीं लिखते, और ये आ जाएगा पी अपॉन बी पी ए आ गया, ठीक है। अब पी ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ठीक है, और पी से पी कट जाएगा, बचा क्या भाई, अब ये आ गया माइनस में होता है इलास्टिसिटी, ये आ गया माइनस ए, जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है मैंने वही चीज़ की है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसका जो है इसको कैलकुलेट किया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, तो मैंने कुछ नहीं किया, इसको दोनों को अलग अलग कर दिया, क्यू को अलग कर दिया, पी को अलग कर दिया, फिर इनका डेरिवेटिव लिया, तो डी क्यू अपॉन डी पी मेरे पास आ गया, और पी का वैल्यू मैंने पी वैसे ही लिख दिया, और क्यू का वैल्यू आपको पता है क्यू इज़ इक्वल टू बी पी रेज टू पावर ए है, तो मैंने उसको सब्स्टिट्यूट किया, तो एवेंचुअली क्या हुआ हमारे पास जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है माइनस ए आ गया, वही हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो चलो आगे एक और लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा अलग होगा। अब ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सो दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ऑल पॉइंट, क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हर पॉइंट पे कितनी है, इक्वल है, इक्वल टू वन है, हमारे पास ये दिया गया है, एक कर्व दिया गया है, कर्व क्या दिया गया है हमारे पास, एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आ गया। देखो यहाँ पे एक कर्व की बात चल रहे हैं, तो कर्व ये मैं एज्यूम कर लेता हूँ, तो जनरली क्या होता है एक्स में हम यहाँ पे लिखते हैं, वाई यहाँ पे लिखते हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम पी लिखते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी लिखते हैं, तो मतलब वाई किसके लिए है, ये पी के लिए है, ठीक है, वाई पी के लिए है, तो इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। देखो ये क्या इम्प्लिसिट फंक्शन बन रहा है, इम्प्लिसिट फंक्शन है मतलब दोनों एक दूसरे से इंटरमिक्शन, तो हमें पता नहीं चल पा रहा है, तो हमें क्या करना है सारे का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में लेंगे हम, एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे फिलहाल, ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव लेके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई का लेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल होगा तो आपको पता ही है, तो मैं एक्स को वैसे ही लिख दूंगा, फिर मैं क्या करूँगा ये वाई का डेरिवेटिव लूँगा, ठीक है, वाई का डेरिवेटिव लिया मैंने किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये प्लस आ जाएगा और वाई वैसे ही आ जाएगा, फिर मैं एक्स का लूँगा एक्स की रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये एक्स से एक्स कट जाएगा, और इक्वल टू जैसे ए स्क्वायर ये पूरा कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो जीरो होगा, ठीक है, तो इतना आ गया। अब ये हमारे पास क्या आ गया, आ गया एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये वाई आ गया, ये किसके इक्वल आ गया, ये जीरो को इक्वल आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम देखना, अब हमें वाई को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, क्योंकि साइन चेंज हो गया, राइट हैंड साइड गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या यहाँ पे किया था कि यहाँ पे जो है अब
डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ रहा है, क्योंकि अब x को भी हम उस साइड ले जाएंगे, तो ये आ रहा है y अपॉन x इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। पर हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें इलेस्टिसिटी और डिमांड का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे ये बन रहा था डी एक्स अपॉन डी पी और पी अपॉन एक्स आ रहा है, और यहाँ पे डी पी क्या है, ये वाई है, वाई डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे वाई ऊपर आ रहा है और एक्स नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे हम, इन्वर्स ले लेंगे, ठीक है, इसको हम उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का क्या फॉर्मूला होता है, इसको नीचे नीचे ले जाओ, ठीक है, उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई, और ये पूरा टर्म ऊपर हो जाएगा, ये एक्स ऊपर चला जाएगा और वाई नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्म आया जिस फॉर्म में हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब पूरा इलेस्टिसिटी जो हमारा हमें कैलकुलेट करना है उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, तो डी एक्स अपॉन डी वाई हमारे पास आ रहा है, या डी एक्स अपॉन डी पी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, ये माइनस एक्स वाई आ रहा है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, पी का वैल्यू क्या है हमारे पास, ठीक है, पी का वैल्यू कितना है हमारे पास, पी वाई को हम पी बोल रहे हैं, ठीक है, और एक्स हमारा एक्स ही है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से यहाँ कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो लास्ट में क्या आ गया हमारे पास, इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू हमारे पास वन आ गया, ठीक है। तो देखो आपने देख लिया कि किस तरह से हमें सिंपल तरीके से किया है, ये आपको कुछ नहीं करना है, एक पूरा प्रोसीजर होता है उसी को फॉलो करना है, क्वेश्चन को समझना है, और बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।